आज हम करेंगे तीन ट्रायंगल वाला पोज। चलिए करके देखते हैं किसके तीनों ट्रायंगल्स बनते हैं या फिर बनते हैं दो या एक। आज यही ट्रायंगल्स आपको देंगे लेवल्स। सो आर यू गाइज रेडी? इफ येस, प्रेस शेयर बटन फर्स्ट, एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब्ड माई चैनल येट, देन डू इट राइट नाउ। Hello viewers, my name is Radhisa and you are watching the most liked wellness and yoga channel Hum Yoga. चलिए करना कैसे है पहले समझते हैं और कौन सा आसन करना है। आज मैंने एक आसन पिक किया है, वो है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के हिसाब से मैं आपको दूंगी लेवल। त्रिकोण यानी तीन कोण बनेंगे। मेरे साथ कीजिए पहले त्रिकोण आसन और अपने लेवल्स को नोट करें और मेरे साथ भी शेयर करें। लेग्स को इस तरह से स्प्रेड किया, एक लेग, कोई भी लेग आप चूज कीजिए, मैंने लेफ्ट चूज की है। लेफ्ट को 90 डिग्री पर ले गए और जो राइट लेग है उसे 45 डिग्री पर ले आए। देखिए एक त्रिकोण तो यहीं बन गया, बॉडी शिफ्ट नहीं करनी, बॉडी सीधी रहेगी। ये है जिनका सिर्फ इतने तक ही हो रहा है और अगला लेवल नहीं जा पा रहे, वो अपने आप को कहेंगे सिल्वर लेवल। सिल्वर लेवल को आगे जाकर इस पूरे आसन को अच्छे से परफॉर्म करने में लगेंगे 15 दिन अगर आप मेरी बताई एक्सरसाइजेस करेंगे। इसके बेनिफिट्स भी बताऊंगी, इस आसन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वेट लॉस इज वन ऑफ दोस। ओके, तो ये फर्स्ट लेवल हो गया। अगले पर जाने के लिए आर्म स्प्रेड किए, हाथ बिल्कुल सीधे, बॉडी इस तरफ है, टर्न नहीं है, सीधी, और नीचे जाना है। अब अगर तो आप नीचे जा पा रहे हैं आराम से तो फिर आप यहां तक आ पा रहे हैं, लेकिन ये बॉडी आगे गिर रही है तो आप हैं गोल्ड लेवल पर। गोल्ड लेवल वालों को 10 दिन लगेंगे इस आसन को परफेक्शन में लाने में। ओके, और नीचे तक जा पा रहे हैं, हाथ सीधा है, बॉडी थोड़ी सी टिल्टेड है, थोड़ी अप है, लेकिन ऊपर नहीं देख पा रहे, तो आप कहां हैं? आप बहुत पास हैं परफेक्शन के, बट थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी 5 दिन की। तो आपने नोट कर लिया होगा, सिल्वर लेवल वाले 15 दिन करेंगे, गोल्ड वाले 10 दिन करेंगे, और जो डायमंड हैं यानी जो ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं लेकिन थोड़ी सी कमियां हैं, उन्हें 5 दिन में अपनी परफेक्शन मिल सकती है। किन लोगों ने नहीं करना सुनिए ध्यान से। लो ब्लड प्रेशर अगर किसी को है, हेडेक की समस्या है, डायरिया है, तो बहुत डीप मत जाएं, ऊपर ऊपर से करें। अगर नेक इंजरी है तो सामने देखें, ऊपर देखने की कोशिश ना करें। ट्रायंगल पोज बहुत सारे बेनिफिट्स देगा आपको, पेट की चर्बी कम करेगा, थाइस की चर्बी कम करने में आपकी मदद करेगा। अगर वीक हैं आपकी गर्दन, पीठ, कमर, पैर, इन सबके मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना देगा। यह आसन आपकी पाचन प्रणाली यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करेगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल जाएगा। अगर किसी को रहता है स्ट्रेस, कमर दर्द, पीठ का दर्द, तो ये आसन जरूर करें। चलिए पहले तो इस तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना है वो अब करते हैं। इसके लिए आपको थोड़े से प्रॉप्स चाहिए होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ रखे हैं, कोई भी चेयर लीजिए। ओके, सो एक चेयर की मदद से हम अपनी पहले हैमस्ट्रिंग मसल्स को ओपन करेंगे और फिर हम अपने परफेक्शन लेवल तक पहुंच पाएंगे। ये देखिए यहाँ रखा, एक पैर ऊपर रखा पहले, और कोशिश करें आगे की तरफ बेंड होने की, हाथ यहां तक लाने की। ना पहुंच पाए तो यहां तक रुकें और फिर आगे मूवमेंट करना है। पीछे का लेग सीधा है, देखिए नी स्ट्रेट, दिस नी इज ऑल्सो स्ट्रेट, हाथ यहां, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, अप डाउन, अप डाउन, कुछ 15-20 बार लगाएं, और जो लोग सिल्वर लेवल पर हैं वो कम से कम 30-40 बार लगाएं दोनों लेग्स के साथ। राइट, सो चेंज योर लेग, इस तरह से लगाया, हाथ आगे। अब जब आप ऐसे करेंगे आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा यहां पर, मीठा मीठा, बट यू हैव टू बियर दैट। ओके, अप डाउन, थोड़ी देर होल्ड करके रखें, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। तो ये आपको
अपने लेवल के हिसाब से डिसाइड करें, 40 टाइम्स, 30 टाइम्स, 20 टाइम्स एंड मोर। अब आप क्या करें, चेयर को टर्न कर लें इस तरह से। ओके, अब थोड़ा और अगले लेवल पर जाते हैं। पैर को इस तरह से टिका लीजिए, यहां पर कोई भी चेयर लीजिए, सोफा ले लीजिए, ऑर्डिनरी चेयर, डाइनिंग टेबल की चेयर, कोई भी चेयर, मैंने योगा चेयर यूज की है, सो कोई भी हो, इस तरह से बेंड कीजिएगा आगे। इनहेल अप, एक्सहेल, स्क्वीज योर बेली, गो डाउन, गो डाउन, कोशिश करना है हाथ तक जाना है। अगर यहां तक रह पा रहे हो तो कोई दुपट्टा या स्कार्फ ले लो, होल्ड करो, गो डाउन, नीचे जाना है, स्टे करना इंपॉर्टेंट है, कुछ सेकंड रुकना है। देखिए, स्क्वीज योर बेली, अपनी बेली और चेस्ट अपनी लेग पर प्लेस करने की कोशिश करनी है। आप चेंज योर लेग करते जाएं मेरे साथ, बिल्कुल सिंसियरिटी से कीजिए, रिलीजियसली कीजिए, अपने लिए कीजिए, अपनी बॉडी के लिए कीजिए। इनहेल अप एंड यू हैव टू गो डाउन। स्टेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो था चेयर के साथ। चेयर के साथ आप एक और भी काम कर सकते हैं। चेयर पर बैठ गए, एक लेग सीधा, थोड़ा आगे आ जाइए, एक लेग 90 डिग्री, ये लेग सीधा, और अब आपने बेंड होकर, देखिए रोल नहीं होना कभी भी, तो ये आप कुछ ना एक्सरसाइज कीजिए ऑन द कॉस्ट ऑफ योर बैक। सो बैक नीड्स टू बी स्ट्रेट, गो डाउन, होल्ड किया थोड़ी देर के लिए, और नीचे जाने का प्रयास। स्टेइंग इज इंपॉर्टेंट, होल्ड करें पैर को जहां तक जा सके करें, ना पकड़ पाए तो दुपट्टे से पकड़े, ऐसे बैठे। चेंज, गो डाउन, देखेंगे सामने, माय बैक इज स्ट्रेट, मेक श्योर योर बैक इज स्ट्रेट, एडजस्ट योर बॉडी, स्क्वीज योर बेली, एंजॉय योर प्रैक्टिस, होल्ड करें, कम अप। इसे भी कम से कम 15-20 बार दोहराएं। ये तो आप कभी भी बैठे बैठे कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट के लिए मुझे चेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सो आई विल कीप दिस असाइड। अगर आपके पास योगा ब्लॉक्स हैं, वेल एंड गुड, नहीं हैं तो कोई दो बॉक्सेस ले लीजिए सिमिलर साइज के, इस तरह से रखें, एक पैर आगे, दूसरा पैर पीछे। ओके, स्लाइड कीजिए अपने पैर को पीछे की तरफ, लाइक दिस। अब थोड़ी देर के लिए रुकना इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट दे दिया हाथों को ताकि बैक सीधी रहे, स्टेइंग इज इंपॉर्टेंट। 10, 9, 8, बहुत जबरदस्त पेन आता है आपको, ये दीज थाई मसल्स विल गिव यू पेन, हैमस्ट्रिंग विल गिव यू पेन, बट यू हैव टू बियर, नो गेन विदाउट पेन। इनहेल एक्सहेल करते रहें, फोकस पेन पर कम, अपनी ब्रेथ पर ज्यादा रखें। चेंज करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा रिलैक्स करें अपनी मसल्स को, फ्रंट लेग को सीधा किया, अगेन मूवमेंट, चेंज, पंद्रह से 20 बार ईच लेग। ओके, चेंज। अब देखिए आसन आप एक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करते हुए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो वेट लॉस तो होगा ही होगा, अननेसेसरी चर्बी जो आपके आसपास है वो भी निकल जाएगी। देखिए इस तरह से रखा, पीछे का पैर जितना स्लाइड कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा, देखेंगे सामने, ब्रीद इन ब्रीद आउट, आंखें बंद करके ब्रीद इन दैट एरिया जहां आपको पेन आ रहा है, रिलैक्स कीजिए उन मसल्स को,
रिलैक्स करते हैं इस तरह से, फ्रंट लेग स्ट्रेट, पीछे वाला बेंड और स्लाइड किया। ये ब्लॉक्स के बिना भी हो सकता है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसके बिना भी काम कर सकते हैं। इस तरह से रखें, आगे बेंड, मूवमेंट 15 से 20 बार ईच लेग। चलिए नेक्स्ट पर चलें। नेक्स्ट के लिए अब हम ब्लॉक्स को रख देंगे साइड में और ले लेते हैं एक बेल्ट। योगा बेल्ट है नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई भी बेल्ट ले ले या किसी भी तरह का दुपट्टा, स्कार्फ, टाल, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने भी ये टाइक्वांडो बेल्ट लिया है। इस तरह से अपनी बेल्ट को होल्ड किया, एक पैर को फोल्ड कर लिया, दूसरे पैर के सामने रखे, लेग सीधी और उठाइए लेग को ऊपर जितनी उठा पाए, ओके, एंड मेक श्योर योर बैक इज स्ट्रेट, खींच कर रखे आगे आगे, जितना आप खींच सकेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, लाइक दिस, ओके। सो यू हैव टू चेंज योर लेग, नी बेंड, पैर अटकाया, नी स्ट्रेट, जबरदस्ती नहीं कीजिएगा, जहां तक आपको हल्का हल्का पेन है वहां तक रुके, फिर अगले लेवल पर जाएं, फिर अगले लेवल पर जाएं। इस तरह से पकड़िए, होल्ड करें, अगर पैर पकड़ पाए नथिंग लाइक दैट, स्ट्रेट अप, स्लोली डाउन, 15 से 20 बार ईच लेग यू हैव टू परफॉर्म। चलिए एक और तरीका आपको सिखाती हूं मैं त्रिकोण आसन के फाइनल पोजीशन तक पहुंचने का। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, हमारी ये जो लेग्स हैं स्ट्रेचिंग करने के बाद ये खुल जाती है, आप भी पाएंगे अगर आप 10-15 मिनट भी इसको करेंगे तो आपकी लेग्स की जो है स्ट्रेचिंग हो चुकी है, हैमस्ट्रिंग ओपन हो गए हैं काफ़ी हद तक। और अब अगर आप जाते हो तो क्या होगा, यहाँ तक तो पहुँच गए लेकिन बॉडी सीधी नहीं हो रही, दिस इज द फाइनल पोजिशन, You have to look up. अगर ये पोजिशन लानी है और परफेक्शन जाना है तो एक स्टिक की मदद लीजिए, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहां रखी है, ये देखिए, सो ये आपकी मदद करेगी आसन में स्टे करने के लिए। इस तरह से पकड़िए, शोल्डर पर रखा, पीछे से दोनों हाथ टिका दीजिए। अब चलते हैं फाइनल पोजिशन की तरफ, सीधे खड़े हुए, लेफ्ट पैर गया लेफ्ट साइड 90, पीछे वाला 45, गैप अपनी मर्जी से अपने बैलेंस के हिसाब से। अब देखिए क्या करना है आपको, इस तरह से डाउन होना है नीचे, ये इसको यहां फिक्स कर लिया, हो गया। नाउ सी माय बॉडी स्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक, सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस, इनहेल एक्सहेल, स्टे फॉर सम टाइम और फिर धीरे से अप। इससे आप दूसरी साइड भी परफॉर्म कीजिए, मेहनत करें रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, जिस दिन मेहनत करो वो दिन अच्छा जाता है, और जिस दिन अपने लिए कुछ ना करो उस दिन अफसोस करते रहने से स्ट्रेस का लेवल ही बढ़ता है, कुछ नहीं मिलता। सो मेहनत करो, जीरो पर हो तो एक पर जाओ, एक पर हो तो 10 पर जाने की कोशिश करो, फिर 10 से 20, 20 से 30 पर जाते रहो, जीरो से बेहतर तो सभी नंबर हैं। सो गियर अप, गेट रेडी एंड स्टार्ट।